तो दोस्तों आ गए हम लोग फिर से एक बार अपने ग्रोसरी शॉप पे, और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि काउंटर आइटम में आपको क्या क्या रखना चाहिए। तो आप काउंटर आइटम में दोस्तों कुछ बिस्कुट रख सकते हैं, जो मैंने पहले वाला वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। 5 का क्रैकर रख सकते हैं, 5 का मीठा बिस्कुट रख सकते हैं, 5 का चॉकलेट फ्लेवर में क्रीम रख सकते हैं, 5 का चॉकलेट फ्लेवर में क्रीम रख सकते हैं, 5 का मेरीगोल्ड रख सकते हैं, 10 का मेरीगोल्ड रख सकते हैं। उसके बाद फिर इधर आ जाइए, ब्लू फ्लेवर में आप रख सकते हैं 5 का क्रीम बिस्कुट, 3 रुपये वाला पार्ले जी रख सकते हैं, 3 रुपये का टाइगर बिस्कुट रख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आ जाइए, 5 रुपये का ड्रीम लाइट रख सकते हैं। ये सब काउंटर में रखने के लिए बिस्कुट का आइटम हो गया। उसके बाद नीचे आइएगा तो आप देख सकते हैं क्या क्या रख सकते हैं। कुछ पेस्ट रख सकते हैं, 10 का पतंजलि का पेस्ट रख सकते हैं, 10 का कोलगेट रख सकते हैं, 10 का क्लोजअप रख सकते हैं, कुछ फेयर एंड लवली रख सकते हैं, अलग अलग रेंज का मूव रख सकते हैं, अलग अलग रेंज का बोरेलिन रख सकते हैं। ये भी पतंजलि का ही पेस्ट है, लेकिन ये बड़ा वाला पेस्ट है, ये 10 रुपये वाला है। उसी तरह से डबर रेड रख सकते हैं, कुछ पाउडर का भी आइटम रख सकते हैं, ये पॉन्ड्स पाउडर मैंने रखा है, या फिर जॉनसन बेबी का बच्चों के लिए पाउडर रखा है। उसके बाद क्लिनिक प्लस आप रख सकते हैं बड़ा वाला, नवरत्न तेल रख सकते हैं, डबर लाल तेल रख सकते हैं, फिर बच्चों के लिए ये डबर लाल जॉनसन तेल रख सकते हैं, फिर ये आलमंड ड्रॉप रख सकते हैं छोटा वाला। उसके बाद आप ये पॉलिश करने के लिए चेरी रख सकते हैं। उसके बाद इधर बाल का गोदरेज रख सकते हैं, गोदरेज के साथ आप कुछ हॉर्लिक्स का आइटम रख सकते हैं। उसके बाद कुछ गुलकोंडी का आइटम रख सकते हैं, कुछ मसाला का आइटम रख सकते हैं, और ये कुछ सतकुल कुछ है। तो ये सारा आइटम जो है वो आप काउंटर में रख सकते हैं। इसके साथ साथ काउंटर के ऊपर आप बात करें तो यहाँ पे ये सब पावरोटी का आइटम रख सकते हैं, ये 3 फुट वगैरह रखा हुआ है। तो ये सीज़न के अकॉर्डिंगली आप ये सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ टॉफ़ी रख सकते हैं, 1 रुपये वाला टॉफ़ी मैंने रखा है डायरी मिल्क। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने भिक्स चॉकलेट रखा है, 1 रुपये का राजमोला रखा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 रुपये वाला मैंने ये डायरी मिल्क रखा है। उसके बाद 1 रुपये वाला लॉलीपॉप रखा है, 50 पैसा वाला चॉकलेट रखा है। उसके बाद ये बच्चों का आइटम रखा है राजमोला, ये 5 का। उसके बाद ये लंदन डायरी रखा है 50 पैसा वाला चॉकलेट। उसके बाद सेंटर फ्रूट रखा है, फ्रेश फ्रूट दोनों रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये पाउडर रख सकते हैं, उसके बाद उधर कच्चा आम रख सकते हैं। तो कच्चा आम का पूरा बड़ा वाला डब्बा आता है, उसे आप खरीद के रख सकते हैं, ताकि बार बार आप उस छोटा वाला डब्बा भी उसे ट्रांसफ़र कर सकें। इसके साथ साथ आपको काउंटर में किटकैट, मंच, डेयरी मिल्क, केक, किशमिश और सेलिब्रेशन, ये सब भी चॉकलेट के कुछ कुछ आइटम रखने होंगे लाके आपको अपने शॉप पे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपका नया दुकान है तो आप काउंटर आइटम में फ़िलहाल इतना रखिए जितना मैंने अभी बताया इस वीडियो में। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइबर ही हमारा मोटिवेशन है। और इसी तरह का वीडियो के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।